दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। मेरी उम्र लगभग 36 साल है और मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे से 2 छोटी बहनें हैं और एक छोटा भाई है, सबसे छोटा, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है। हम लोग कनाडा के रहने वाले हैं और अचानक हमारे रिश्तेदार में मौत की खबर सुनकर हमारे माँ बाप बेंगलोर गए हैं और मेरे पति भी मेरे माँ बाप के साथ गए हैं। मैं भी मेरी माँ के घर आकर रुकी हूँ क्योंकि हमारे घर में और कोई दूसरा सदस्य नहीं है। इसके लिए मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ पर छोड़कर गए हैं। जब तक हम नहीं आएंगे, बेटा तुम अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। मैंने भी अपने माँ बाप की बात मानी और उनके घर आकर संभाल रही हूँ और मुझे यहाँ रहना या पति के घर में रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी मेरे पति उतना प्यार मुझे नहीं कर रहे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और एक लड़की। बड़ा वाला लड़का 5 साल का है और छोटे वाला लड़का 3 साल का है और एक लड़की गोद में है जो लगभग 3 महीने की है। मेरे तीनों बच्चों को मेरी दोनों बहन सुमन और पिंकी संभालते हैं। मेरा भाई संदीप मेरा छोटा बेटा बेटी को संभालता है और मुझे अच्छा लगता है। और संदीप भी अच्छा गबरू जवान हो रहा है और हम तीनों बहनों से बहुत प्यार करती है और मेरा भाई अक्सर उसकी नज़र मेरे तरबूज पर रहती है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता क्योंकि मेरा भाई है। मेरा भाई कई बार दिन में मेरे बेटे को गोद में लेता है और मुझे वापस देता है और कई बार मेरे तरबूज पर हाथ फेर आते रहता है। मुझे भी अच्छा लगता है और उसे भी अच्छा लगता है। वह मेरे तरबूज को छूकर खुश होता है। हमारी तीनों बहनों के तरबूज बड़े बड़े हैं। हम तीनों बहनों के साइज 34-36 के करीब हैं। लगभग रात की 9 बज चुके थे और हम सब तीनों बहनें और भाई मिलकर खाना खा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि कौन किधर सोएगा। संदीप ने कहा, मैं दीदी के साथ सोऊंगा। यह सुनकर सुनीता खुश हो जाती है। आज मेरा भाई मेरे साथ सोएगा, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। सुमन और पिंकी कहते हैं, हम पास वाले कमरे में सो जाते हैं। सुनीता कमरे के अंदर आती है, देखती है संदीप सो रहा है बेड पर। सुनीता अपने बैग में कपड़े ऊपर नीचे करती रहती है, कुछ ढूंढती रहती है। सुनीता जो तलाश कर रही है उसे नहीं मिल रहा। सुनीता उठकर कमरे के बाहर जाकर मीनाक्षी को आवाज़ देती है, मीनाक्षी तुम सो गई क्या? मीनाक्षी अपने कमरे से आवाज़ देती है, क्या हुआ दीदी, क्यों पुकार रही हो? सुनीता कहती है, मीनाक्षी मैंने अपने बैग में नाइटी डालना भूल गई और मुझे बगैर नाइटी के नींद नहीं आती। संदीप अपनी सुनीता दीदी की सारी बातें सुनता है। सुनीता बोलती है, मीनाक्षी तुम्हारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा नाइटी है तो मुझे दे दो। मीनाक्षी कहती है, दीदी तुम्हारी फिगर के हिसाब से मेरी नाइटी तुम्हें टाइट आएगी। सुनीता कैसी है, कोई बात नहीं चलेगा, अगर मैं टाइट नहीं पहनूंगी मुझे रात भर बेचैनी होगी। मीनाक्षी कहती है, दीदी तुम अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए नाइटी लेकर आती हूँ। सुनीता कहती है, ठीक है, जब भी लेकर आना। सुनीता कमरे में अंदर आती है, देखती है संदीप की तरह संदीप का टाइट पजामा पहन कर सो रहा था। पैजामा के अंदर से उसका पप्पू नजर आ रहा था। देख कर मन खुश हो जाती है। इतने में मीनाक्षी दीदी के लिए नाइटी लेकर आ जाती है और अपनी दीदी से कहती है, दीदी मेरे पास तो खाली नाइटी है, इसके नीचे का पजामा नहीं है। सुनीता कहती है, कोई बात नहीं। मीनाक्षी अपने कमरे के बाहर जाते हुए सुनीता से कहती है, दीदी मैं जा रही हूँ और तुम अंदर कमरे में बंद कर लो। सुनीता कैसी है, ठीक है, और सुनीता दरवाज़ा बंद कर लेती है। अभी सुनीता अपनी नाइटी पहनने के लिए संदीप की तरफ देखती है, संदीप सो रहा है। सुनीता आईने के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े उतारने लगती है, एक एक कर कर अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। पहले वह अपनी शादी तो आने की छुट्टी है, फिर अपने ब्लाउज उतारती है। अचानक सुनीता की नज़र आईने पर पड़ती है, संदीप मुझे देख रहा है चुप चुप कर। मैं भी अनजान होने लगी। संदीप अपनी दीदी को कपड़े उतारते हुए देख रहा था, अपनी दीदी के बड़ी बड़ी तरबूज देखने लगा। सुनीता अपना पेटीकोट उतारने लगी। संदीप देख रहा था कि नाइटी पहने लगी दीदी को नाइटी बहुत छोटी हो रही थी। संदीप दीदी सोने के लिए पूरी रेडी हो चुकी थी और मैं बिस्तर की तरफ आने लगी और मैं सोने का नाटक कर रहा था। सुनीता बेड पर आकर लेट जाती है
और संदीप की तरफ देखती है। संदीप को पप्पू खड़ा हो चुका था। संदीप पजामा पहना हुआ था, इसलिए सब साफ दिख रहा था। सुनीता को नींद लग जाती है। संदीप रात 2 बजे उठता है। संदीप देखता है कि दीदी उसकी तरह पीट करके सो रही है और संदीप देखाता है दीदी के 2 बड़े बड़े पहाड़ देखता है। संदीप अपना एक हाथ धीरे धीरे करके दीदी के दोनों पहाड़ों पर अपना एक हाथ चलाने लगता है, दूसरे हाथ से पप्पू को उठाने की कोशिश करता है। संदीप की हिम्मत नहीं होती और संदीप सोने की कोशिश करता है। सुनीता की नींद खराब हो गई, अभी उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसके तीनों बच्चे उसकी छोटी बहन के पास सो रहे थे। अचानक लाइट चली जाती है। सुनीता उठकर खिड़की के दरवाजे खोलने लगती है। संदीप खिड़की की आवाज़ सुनकर उठ जाता है और अपनी दीदी से पूछता है, क्या हुआ दीदी? सुनीता बोलती है, देखो ना लाइट चली गई, अब मुझे बगैर फैन के नींद नहीं आएगी। यह बात सुनकर संदीप अपनी बहन का हाथ पकड़ता है, कहता है, चलो यदि तुम टेंशन मत लो, जब तक लाइट नहीं आएगी मैं तुम्हें हवा करूँगा। संदीप अपनी दीदी को बेड पर बिठाकर अलमारी से हाथ वाला फैन निकालकर अपनी दीदी के पास आता है। वह कहता है, दीदी अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें हवा करूँगा, कुछ ही समय में लाइट आ जाएगी। सुनीता बेड पर सो जाती है। सुनीता अपने भाई को देखती है। भाई की नज़र मेरे तरबूज घूर रहा था। सुनीता कहती है, बहन गर्म हो रहा है। यह कहकर वह अपने नाइटी के ऊपर वाले बटन खोलती है और संदीप घुर घुर कर देखता है अपनी दीदी के तरबूज। सुनीता देखी है संदीप खड़े होकर हाथों से हवा कर रहा है। सुनीता की नज़र अपने भाई के पजामे पर पड़ती है। भाई का पप्पू खड़ा हो चुका है। सुनीता संदीप से कहती है, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो। संदीप कहता है, नहीं दीदी मैं तुम्हारे सामने बच्चा हूँ। सुनीता कहती है, हाँ तुम तो बच्चे हो मेरे सामने, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो, यह मुझे दिख रहा है। सुनीता बोलती है कि तुम अब मुझे अपनी दीदी मत समझो। संदीप तुरंत अपनी बहन के कदमों को पकड़ लेता है, कहता है, दीदी ऐसा मत कहो, तुम मेरी दीदी हो। सुनीता कहती है, हाँ मैं तुम्हारी दीदी हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है मेरे भाई को क्या तकलीफ है, तो मैं अनजान कैसे हो सकती हूँ। सुनीता बोलती है, तो मुझे आज की रात दीदी मत समझो, तुम मुझे कुछ और समझो, जैसे कि गर्लफ्रेंड या अपने महबूबा जिसके साथ तुम कुछ भी करना चाहते हो, ऐसे में तुम क्या करोगे? संदीप कहता है, तुम मेरी दीदी हो। सुनीता बोलती है, हाँ बाबा मैं तुम्हारी दीदी हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। सुनीता बोलती है, देखो भैया आज की रात तुम्हें ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, तुम अपनी दीदी के साथ करना चाहते हो कर लो, बताओ क्या करना चाहते हो। संदीप खुश हो जाता है। संदीप कहता है, दीदी मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। तो सुनीता कहती है, हाँ पापा देख लो तुम्हें कैसे देखना चाहते हो, आज की रात मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। संदीप खुश हो जाता है और अपनी दीदी के गले लग जाता है। सुनीता बोलती है, तुम घबराओ मत, तुम मेरे भाइयों और मैं चाहती हूँ तुम कि हर खुश देना और तुम भी मुझे खुश कर दो। सुनीता बोलती है, आज के जैसा मौका भैया तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारी दीदी हूँ, लेकिन आज की रात हम जो कुछ करेंगे यह सब कुछ हम दोनों के बीच में रहेगा। संदीप कहता है, ठीक है दीदी। सुनीता पूछती है, संदीप अब तुम क्या करना चाहोगे? संदीप कहता है, मैं तुम्हारे गले लगा चाहता हूँ। दीदी सुनीता उसे अपने गले से लगाती है। संदीप कहता है, दीदी मैं तुम्हारे तरबूज देखना चाहता हूँ। सुनीता अपने दोनों तरबूज के ढक्कन हटा देती है। संदीप दोनों तरबूज हाथ में पकड़कर उसे सहलाने लगता है। संदीप बोलता है, दीदी मेरी तरबूज को छूने के कितने दिन से तमन्ना में रखा था, आज तुमने दी थी, मेरी तमन्ना पूरी करती। सुनीता बोलती है, हमें तुम्हारी दीदी हूँ, आज रात भर तुम मेरे साथ जैसा चाहे वैसा कर लो, तुम मेरे छोटे भाई हो, अगर मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हो
हाँ, पर तुम्हारी आरजू पूरी ना करूं तो मैं कैसी दीदी? संदीप अपनी दीदी को गले से लगाकर बहुत प्यार करता है। कहता है, मेरी सबसे प्यारी दीदी, दुनिया में सबसे प्यारी दीदी हो तो आज मुझे सब कुछ मिल गया है। संदीप बोलता है, दीदी मैं तुम्हें हर तरीके से करना चाहता हूँ, रुको नहीं। बोलता है, तुम जैसा चाहो वैसा कर लो दीदी, मैं तुम्हें घोड़ी बनाकर करना चाहता हूँ। ठीक है संदीप, तुम जैसा चाहो वैसा कर लो, आज तुम्हारी आरजू बाकी ना रह जाए। दीदी तुम बहुत खूबसूरत हो। सुनीता अपने एक एक कर करके अपने कपड़े उतारने चालू कर दीजिए। और मैं अपनी दीदी को देख कर कहता, दीदी तुम दुनिया का सबसे खूबसूरत हो। दीदी तुम्हारा सुनहरा खूबसूरत बदन, काले घने बाल और बड़े बड़े तरबूज, और तुम्हारे दो पहाड़ों के बीच में चिड़िया का घोंसला, मेरी आज पूरी दुनिया देख ली है। संदीप अपनी दीदी के साथ रात भर हर तरीके से खुश करता है। सुनीता भी खुश हो जाती है। बोलती है, यारो कई दिनों के बाद मुझे सुख मिला है। संदीप बोलता है, दीदी तू हर रोज इसी तरह काम सुनने की कोशिश करूंगा। मेरा प्यार छोटा भाई बोलकर मैंने अपने भाई को गले से लगा लिया। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।